एक सार्थक पवन होर पवन होर भी अपनी गल जी सारे सामने रखना चाहते आओ पवन जी शुक्रिया एक सार्थक पवन होर पवन होर भी अपनी गल जी सारे सामने रखना चाहते आओ पवन जी शुक्रिया क्लियर करा जाए या तो चलानी से डीएसपी साहब या जो बंदा इस केस को चेक कर रहा है क्योंकि ये तो इन जो केस चलानी वालों के पास है वो हमको क्लियर करे कि उन्होंने 24 दिन में क्या अभी तक क्या किया हमें और ज़्यादा कुछ नहीं हमें सिर्फ यही इंसाफ चाहिए देखो ना अभी तक उन बंदों पे FIR तक नहीं लगी है 24 दिन हो गए ऐसे उनको अंदर रख के क्या करना है हमें और वो बंदा शाम को फेसबुक पर डेली ऑनलाइन आता है मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है ठीक है ना अब लेकिन मैं मेरा तो एक ही बात का कहना है कि हमें भाई कोई बड़ा अधिकारी ये आके बताए कि पुलिस ने 24 दिन के अंदर क्या चीज करी है सिर्फ उनको तो दी है FIR लगानी है नहीं लगानी है बंदे रखने हैं लगनी है कितने दिन रखने हैं बिना वजह हमको क्यों 25 दिन महीना बिना वजह हमको क्यों रखा ठीक है अंधेरे में आज आपकी ओर से यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है तो अगर आपके साथ कोई बात नहीं करता बड़ा अधिकारी तो क्या करेगा अगर कोई बड़ा अधिकारी बात नहीं करेगा हम यहाँ से उठकर सलाथिया चौक में भी प्रदर्शन करेंगे और इससे ज़्यादा बड़ा प्रदर्शन होगा वो फिर चनानी में भी जाना पड़ेगा फिर हमें चाहे मैंने कहा आपको कि अपने तक जहाँ तक हमारी हिम्मत होगी ना जहाँ लास्ट तक हमको जा पाएंगे हम जाएंगे आपके द्वारा एक मांग की जा रही थी कि CBI जांच होनी चाहिए या कोई टीम की बात की बात है तो CBI की ही मांग करेंगे अगर हाथ खड़े कर देंगे कि हमारे वैसे का नहीं रहा है तो हम फिर मांग करेंगे आगे जो होगी उसमें प्रोसेस वहां पर हुआ क्या होगा वो करना पड़ेगा दे ही नहीं पा रही है पुलिस का कहना है कि वहां पर FSL टीम आई थी मैं तो कहता हूं FSL आई नहीं वहां क्योंकि FSL मतलब 6 फुट के दायरे में एक एयर रिंग तक नहीं उठा पाई 9 दिन के बाद घर वाले जाते हैं वो वहां से एयर रिंग उठाते हैं और DSP साहब कहते हैं आगे से कि वो एयर रिंग कहने का मतलब जो घर वाले गए थे उन्होंने रखी घर वाले वहाँ पे वेपन भी रख सकते घर रखने के लिए कहने का मतलब रिंग घर से उठा कर लाई उन्होंने वो रिंग यहाँ से लेके यहाँ से पता चलता है कि पुलिस हमारे केस को कितना रिलेटेड ले रही है